Hi guys, this is Bilal Ashraf, and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Adha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page, and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures, and much more. मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि वो हमारे खानदान में किसी तरह घुस ना जाए। तुम्हारे उस अनपढ़ दुकानदार भाई से कभी शादी नहीं करेगी वो। बहुत ऊंचे दिमाग है उसके। उसका ऊंचा दिमाग मैंने यूं गिराया था। सेकंड्स में। ये तो है। मिलाए उससे? क्या? क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। ये कपड़े ले जाके तय करके रख दो अंदर। और ये एक दो कमीजें इस्त्री भी कर देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सुनो, मेरे साथ किचन में चलो, नाश्ते में मदद करो। एक मिनट, तुम जाओ। ये इसका काम नहीं है, तुम खुद जाके अपना नाश्ता बनाओ। ईशा इतना कमाती है तो क्या किचन के लिए मुलाजमा नहीं रख सकती? ईशा के सर पे इस घर की तमाम जिम्मेदारी है। खाने पीने से लेके मेरी दवाएं और बिल्स, सब कुछ उसी को तो करना पड़ता है। तो शुक्र अदा करे ना कि घर के किराए से बचे हुए हैं। किस किराए की बात कर रही हो? ये उसके बाप का घर है। तो क्या मेरे बाप का घर नहीं है? तुम शादी होकर यहाँ से चली गई थी। अच्छा, तो जो लड़कियाँ शादी होकर चली जाती हैं उनके हक खत्म हो जाते हैं? मिल जाएगा तुम्हारा हक जब वक्त आएगा। और वो वक्त कब आएगा? वो वक्त जल्दी आएगा। ईशा की शादी करके मैं ये घर बेच दूंगी। पता नहीं कब होगी उसकी शादी। इंशाल्लाह बहुत जल्द। आप भूल रही हैं कि शादी करने के लिए लड़के का होना बहुत जरूरी है। मेरी ईशा को इतना अच्छा लड़का मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मुखलिस, मोहब्बत करने वाला और जिम्मेदार। आपके कहने का क्या मतलब है? असल में ये सारी खूबियां नहीं है? मुझे क्या पता, ये तो तुम बेहतर जानती होगी। तो जनाब, दोबारा जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ? अब वो बिजनेस थोड़ा काफी नुकसान हो गया, फिलहाल थोड़ा जॉब करूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या बॉस तुम्हें दोबारा यहाँ रख लेंगे? लो, ये क्या बात हुई? ऑफ कोर्स रखेंगे, इतने साल यहाँ काम किया है, हम शो की पोजीशन ढूंढ लेंगे मेरे लिए। एक मशवरा दूं? क्यों ना तुम ईशा से बात करो, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो चाहे तो तुम्हें यहाँ रख सकती है। उससे की बात करूंगा कि कंपनी उसकी है क्या? मैं तो जस्ट एक मशवरा दे रहा था। क्यों ना यार, रह गए लोग। सर, ईशा, आज भी उनसे नजरें नहीं मिला सकती, कोई जवाब नहीं है उसके पास। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी राख में चिंगारी बाकी है। मैं जरा आता हूं काम से। कहां है तू? टुकर है। ये लो, सब्जी काट दी है मैंने, नाश्ता कर लो तो बना लेना। मैं? तू और कौन? पहले मैं दिन में घर में अकेली हुआ करती थी, जो भी सालन रात को ईशा बनाती थी उसी से मेरा गुजारा हो जाता था। अब तुम दोनों भी आ गए हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊं?
शाम को थकी हुई आती है मेरी बच्ची, हजारों मसले जिंदगी के, बाहर का ट्रैफिक, दफ्तर की जिम्मेदारियां, घर के काम और फिर मुझ बीमार को देखना, लेकिन बड़ी सहूलत से सब कुछ निभाती है। अल्लाह उसको खुश रखे। कमाल करती हैं आप अम्मी, जब भी ईशा की बात करेंगी मुंह से हमेशा फूल ही झड़ते हैं आपके। वाह। हाँ, तो जो औलाद अपने माँ बाप का ख्याल रखेगी उसी के लिए तो दिल से दुआएं निकलेंगी। रख रही हूं यहां, बना लेना जब दिल चाहे। जिंदगी में खाना नहीं बनाया मैंने, तो अब क्या बनाऊंगी मैं? अपने लिए करूंगी काम और इसी के लिए। सॉरी अरसल, आपकी जगह पर किसी और को अपॉइंट किया जा चुका है। सर प्लीज सर, आपको हम शो कोशिश करेंगे तो आपको कोई ना कोई पोजीशन तो मिल ही जाएगी। फिलहाल तो नहीं है सर, प्लीज आप देख लीजिए सर, मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है सर। आपका एटीट्यूड हमेशा खासा गैर जिम्मेदाराना रहा है, इसलिए आपको दोबारा अपॉइंट करना खासा मुश्किल होगा मेरे लिए। सर मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, वो मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है सर। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की थी, वो भी नहीं चला, वो सब कुछ इस गैर जिम्मेदारी की वजह से। लेकिन अब मैंने सब कुछ बदल दिया है। आई प्रॉमिस यू सर, आपको आपको आगे जाते हुए फ्यूचर में मुझसे मुझसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। देखते हैं, मिस ईशा से बात करनी पड़ेगी, हो सकता है वो आपके लिए कोई सीट निकाल सकें। मिस ईशा मेरे कमरे में आएगा प्लीज। मैं तुझे बता रहा हूँ सीन ऑन है, तैयार कंफर्म, क्योंकि हम लोग यहाँ खड़े हुए थे, ईशा ने जिस तरह इग्नोर किया तो सोच भी नहीं सकता। मुझे तो आइडिया नहीं था, मैंने कहा शायद बात करेंगे, मगर क्या इग्नोर किया ईशा ने। तैयार इसका। हेलो मे आई कम इन सर? यस कम इन ईशा प्लीज। Excuse me. जी सर। अरसल हमें दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं, आप देख लें अगर इनके लिए कोई सीट निकाल सकती हैं तो। सर मैं देख लेती हूँ, लेकिन जहां तक मेरे इल्म में है हमारे पास कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन मैं फिर भी देख लेती हूँ। ठीक है, देख लीजिए आप, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। Excuse me. ईशा मुझे पूरा यकीन है तो मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं निकाली, और मुझे जॉब के लिए रिहायर करवा लूंगी। अगर मुझे तुमसे दुश्मनी निकालनी होती तो मैं तुम्हारे घर आने के लिए अम्मी को कभी राजी ना करती। तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर, वो जोनिया का भी घर। ओ हाँ, थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए। लेकिन मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपनी जॉब वापस चाहिए हर मुमकिन तौर पर। ये मेरा ऑफिस नहीं, इसका फैसला बोर्ड करेगा। तुम्हें सुना नहीं मैंने क्या कहा? आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना, खुद तुम्हें तो अपनी इज्जत करवानी आती नहीं है और दूसरों की इज्जत तुम करते नहीं। आइंदा मेरे सामने इस तरह मत आना और इस लहजे में ना मुझसे बात करना, और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ हेलो, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, लड़कियों को हेलो हाय करने के अलावा कोई काम नहीं आता आपको? हर वक्त हेलो हाय हेलो हाय। जाइए बैठिए अपनी सीट पर, और आइंदा मुझे इस तरह नजर मत आइएगा आप। थैंक यू।
सलाम अलैकुम सर, पैसे दे। हाँ सलाम ना दुआ, पैसे निकाल। मुझे यहाँ के बड़ा अजीब सा लगता है, हमेशा लोग भरे होते हैं, शोर, तेरा दम नहीं घुटता यहाँ पर? अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मेरा दम क्यों घुटेगा भाई। यार यहाँ से रोजी रोटी कमाता हूँ मैं, असल कैसी बात कर रहा है? मेरा भाई, दुनिया में बहुत से काम है जिनमें बाई इज्जत रोटी कमाई जा सकती है। ऐसा नहीं होता, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बाई से इज्जत ना हो, सिवाय हराम काम के। तेरी गलत सोच है सर। चल जी, मेरी सोच गलत, मेरी सोच मेरी सोच, तेरी सोच तेरी सोच। चल पैसे निकाल। हराम काम। दस हजार हैं अभी मेरे पास, ये रख ले। ठीक है, अच्छे खाते में ज्यादा चाहिए यार, ये कल और दे दूंगा ना यार, अभी है ये जरूरत है मुझे। हाँ हाँ कल ले आना। हाँ चल। अच्छा दो टके की नौकरी के लिए ईशा की बातें सुननी पड़ती है, और चार पैसे के लिए जैद की। क्या 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 कहा? तुम ईशा के ऑफिस गए थे तो और क्या करता? नौकरी चाहिए तुम्हारे घर में फारिग नहीं बैठ सकता। हेलो, ताने मत देना मुझे, क्योंकि कमाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। वाह, कितनी अजीब सी बात है, दुनिया भर में औरतें काम पे जाती है, आराम से पैसे कमाती है, कोई इतनी खास बात नहीं है। खबरदार खबरदार, जो ईशा का ताना मुझे दिया तो क्यों दूंगा ईशा का ताना? जैसे काम करना शुरू किया तो सर आसमान से निकलता ही नहीं। और क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी वहां जाने की? दुनिया में नौकरियां खत्म हो गई है क्या, जो पहुंच गए अपनी बेइज्जती करवाने वहां? क्या जरूरत थी जाने की? जॉब ढूंढना इतना आसान नहीं होता, तुम्हें कैसे पता? वैसे भी कह के दिखाए, बेइज्जती करके दिखाए, देख लूंगा उसको। ऐसे भी पता नहीं क्या समझती है वो अपने आप को, बड़ा इतराती है अपनी नौकरी पर। खड़े हुए चिक चिक करती होगी, कुछ खाने के लिए लेके आओगी? हर वक्त भूखी लगती रहती है। जल्दी प्लीज। हाँ हाँ ला रही हूं। बस थोड़ा ही, बस बस। हमारे लिए रोटियां नहीं बनाई? आटा गूंद के फ्रिज में रख दिया है, तुम रोटियां डालो। हम तुम्हारे ऊपर बोझ हैं क्या? हम्म, मेरे किस रवैये से तुम्हें ऐसा लगा? जाहिर है, दो दिन हो गए सब्जियों पे सब्जियां बनाई जा रही हो। दरअसल अम्मी को डॉक्टर ने सिर्फ सब्जियां या फिर हल्की खिजा खाने के लिए कहा है, मैं भी सब्जियां ही खा रही हूँ अम्मी के साथ। एक वक्त में दो दो खाने नहीं बना सकती, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास सोनिया। लेकिन फ्रिज में सब कुछ रखा है, तुम्हें जो खाना है निकालो और बना लो। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं अपने लिए और अपने मियाँ के लिए खाना खुद बनाऊं? अगर हर शख्स अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लेना तो काम बोझ नहीं लगेगा। आप तो ना बस इसी की साइड लेती हैं। बिल्कुल भी नहीं बदली हो सोनिया, जिंदगी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इतनी देर से जो ईशा से बहस कर रही हो, तो चार रोटियां डाल नहीं सकती थी अपने और मियां के लिए? ठीक है, तो कल से बना लेंगे रोटी, क्या फर्क पड़ता है? ले, आज तो सालन और गुंधा हुआ आटा मिल गया तुम्हें, कल से ये भी खुद करना अगर इस घर में रहना है। क्या मतलब है? और तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम हमारे लिए खाना नहीं बनाओगी तो मैं और मेरा मियां भूखे मर जाएंगे? पकड़ो अपनी रोटियां। जोनिया,
बना लूंगी मैं खुद अपने लिए। रिस्क की बेहुर्मती कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? खुदा का खौफ नहीं है जरा भी? जानती हो एक एक निवाले के लिए दुनिया में लोग तरसते हैं, कभी उनके घरों में जाके पूछो जहां एक वक्त का खाना नहीं होता। ओह, हद हो गई बेटा, रिस्क की बेहुर्मती कर रही है, क्या हो गया ये? मुझे तो ये मेरी औलाद लगती ही नहीं, यकीन नहीं आता कि इसकी तरबियत मैंने की। या अल्लाह माफ कर देना मालिक। क्या हुआ, तुम खाना लेने गई थी? अरे भाड़ में डालो ऐसा खाना जिसके लिए इतनी बातें सुननी पड़े। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे ईशा और अम्मी को लगता है कि वो हम पर एहसान कर रहे हैं। उनका कह रहे हैं कि मैं अपना और तुम्हारा खाना खुद बनाऊं। तो इसमें गलत बात क्या है? तुम दिन में खाना बना लिया करो। क्या तुम ईशा की हिमायत कर रहे हो? मैं ईशा की हिमायत क्यों करूंगा? लेकिन ये बात सच है, वो हमारे लिए खाना क्यों बनाएगी? मैं नौकर है क्या? तो इसमें कौन सी बड़ी बात? अरे अम्मी के लिए और अपने लिए तो खाना बनाती है ना, हमारे लिए बना लेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? ठीक है, आपसे कौन बहस कर सकता है। बताइए खाने में क्या करना है? क्या करना है का क्या मतलब है? बाहर जाके खाएंगे और क्या? इतनी बातें सुनने के बाद मैं नहीं खा सकती क्या? यहां भी शुरू कर दिया तुमने ये सब। तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं इनकी बातें सुनूं? क्या हो गया तुमको? मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई, ये जो थोड़े बहुत है ना जैद ने दिए थे, उनको बचाना चाहता हूं मैं। तो है तो ना, अभी का सोचो, कल का कौन सोचता है यार। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो जाओ जल्दी से आओ। खड़े हुए मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? जल्दी जाओ, जल्दी आओ। आ रहा हूं। पैसे रख के घूम रहे। गलती हो गई अम्मी, मैं ही रोटियां बना लेती। हरगिज नहीं बेटा, इसे बिगाड़ने में हम ही लोगों का हाथ है। जब ये छोटी थी तो मैं इसके निकम्मेपन को इसलिए नजरअंदाज करती रही कि बड़ी होके समझदार होके ठीक हो जाएगी, लेकिन इसकी आदतें तो इतनी पुख्ता हो गईं कि वक्त ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर मेरी इस कुर्बानी से घर का माहौल ठीक रहता है तो इसमें हर्जी क्या है अम्मी? तो बेटा सब कुर्बानियां देने के लिए बस तुम ही रह गई हो क्या? क्या फर्क पड़ता है अम्मी? हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए, ठीक है ना? खुदा हाफिज। चले छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं रहा इससे। अच्छा बेटा तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया, चाहे तो पी लो ठंडी हो जाएगी। क्यों दिल को जलाती हो? नहीं नहीं अम्मी, मैं क्यों अपना दिल जलाऊंगी भला, खाना खा लिया था ठीक से मैंने, बस उतनी ही भूख थी। आप चाय पी। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? जितनी एक बहन अपनी बहन से करती है उतनी मोहब्बत करती हो। अगर मैं तुमसे तुम्हारी कोई खास चीज मांगू तो क्या तुम मुझे दे दोगी? हाँ दे दूंगी, पहले पूछ तो लो क्या चीज। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम, आइए अंदर आइए। मैं करता हूँ, मैं बंद कर लेती। इतनी रात को सब खैरियत तो है? जी बस वो अभी अभी दुकान बंद की ना मैंने, और असल से एक बहुत जरूरी काम था, मिलना था उसे। कहाँ है वो? जूनिया और अरसल तो घर पर नहीं है, बाहर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। अच्छा तो ये कुछ पैसे हैं, अब आप प्लीज उन्हें दे दीजिएगा। नहीं नहीं ये
पैसे मैं नहीं रख सकती, आप खुद ही दे दीजिएगा। आप ऐसा करें, अंदर आए, इंतजार कर लें, वो लोग बस आते ही होंगे। नहीं बस ठीक है, यहाँ कुर्सियां हैं, वहां बैठ जाता हूँ। आंटी कहाँ है? अम्मी नमाज पढ़ रही है, मैं भेजती हूँ उन्हें। चाय पियेंगे आप? चाय नहीं, नहीं चाय, जैसे आपकी मर्जी। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? यार वो दुकान भी अभी बंद की थी भाई, ये पैसे। इसकी जल्दी क्या थी? मैं कल ले लेता। हाँ लेकिन मैंने सोचा चलो जाते। मैं अच्छी तरह जानता तुम क्या सोचते हो, सब जानता। लेकिन मैं कुछ होने नहीं दूंगा, ये बात याद रखना। क्या क्या नहीं होने दोगे? देख मेरा मुंह मत खुलवा, चलते बोलो। क्या हो गया यार? मतलब ऐसे गुस्से में क्यों बात कर रहा है? चला जाता हूँ। ठीक है जी, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। रुकिए जैद, अम्मी से मिलकर जाइए ना। मेरे भाई से दूर रहो, यही बेहतर। मैं जानता हूं क्या हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बहन से दूर रहो, तुम कैसे हुक्म दे सकते हो मुझे? आइंदा मेरे मामले में दखल मत देना, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। जरूरत है इसके मुंह लगने की? क्यों? Shut up, Sabia. मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैं तुम्हें यहां ले आई। सॉरी, क्या मतलब है इस बात से? अरे ईशा के मामलात में इतनी दिलचस्पी क्यों है तुम्हें? वो कुछ भी करे, किसी से भी मिले, तुम्हें क्या? For God's sake, Sonia, वो कुछ भी करे, भाड़ में जाए, I don't care. मेरे भाई पे डोरे मत डाले। तो अपने भाई को बोलो कि यहाँ के चक्कर लगाना बंद करे, क्यों बार बार यहाँ पे आता है? सिखाता हूँ उसको, काके के तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। सबक सिखाता हूँ? पहले खुद तो अपने आप को ठीक कर लो, सबक सिखाएंगे दूसरों को। सॉरी, क्या कहा तुमने, फिर से कहना। कहूंगी और 10 बार कहूंगी, क्योंकि तुम्हारे दिल में फितूर है। बस बंद करो, छोड़ो मेरा हाथ जंगली जानवर। दर्द हो रहा है? मेरा दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ो। और छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर तुम मुझे जान लड़ाई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा कोई है भी नहीं, कितने निशान डाले तुमने मुझे, बताए। Shut up, Sonia, कुछ भी नहीं किया मैंने, ड्रामे बंद करो। I promise you this, तुमने मुझे फिर ज़बान लड़ाई ना, ऐसी बात कर जाऊंगा कि जिंदगी भर सर पकड़ के बैठे रहोगे। I promise you that. क्या करोगे? क्या करोगे? तलाक दोगे? ठीक है, तलाक दो मुझे, तलाक दो, मैं भी तो देखूं कि तुम में कितना हौसला है। क्या हो गया इसे, क्यों चिल्ला रही है आधी रात को? कुछ नहीं अम्मी, सो जाएं आप। मैं देख। नहीं नहीं अम्मी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, अभी वो गुस्से में है, फजूल में कुछ कह देगी आपको, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप हम कल बात करेंगे ना, कल समझाएंगे उसे। अरे बेटा क्या सो, नींदें उड़ा के रख दी इसने, हर वक्त चीखा चिल्ला लड़ाई झगड़े।
पागल हो तुम, इतने बदतमीज हो रहा था तुम। है पागल हो? अरे तुम कम हो, मेरे घर में खड़े होके मुझ पर चिल्ला रहे हो। तो क्या करूं, क्या करूं, मैं मजबूर करती तो एक इंसान को। You're not! घर से बाहर निकल के ना नौकरी करो, घर में पड़े रहोगे तो यही होगा। फिर तुम जॉबलेस होने का ताना दे रही हो मुझे, फिर और क्या करूं, क्या करूं मैं? अच्छी भरी नौकरी लगी थी, छोड़कर बैठ गए। मेरी गलती है, मेरी गलती है। इसमें तुम्हें कहा था वहां जाके ईशा से चलाते हो, उसको ताड़ते हो तुम। जाहिर है, अरे जब तुम अपनी बीवी की बहन से अफेयर चला सकते हो तो फिर तो वो तुम्हारी एक्स वाइफ है, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। क्या हुआ, सकता क्यों उतारी हो गया? सच बात हजम नहीं हो रही ना? अपना टाइम भूल गई तुम, अपना टाइम भूल गई। बोलो, जब उसकी अपनी बहन के शोर को फंसाया तो तुम्हें चक्कर चलाया उसके साथ, बहुत मजा आ रहा था ना? चक्कर मैंने चलाया? अरे हाथों के पीछे पड़ गए थे मेरे, चक्कर चलाया मैं पड़ा पीछे तो डांट देती, रोक देती। उस वक्त तो सब ठीक था, पहुंचा था, प्यार था, लॉट ऑफ लव। सुबह सब लोग ऐसे होते हैं, बस बातें करवा लो। अम्मी, अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं ऑफिस नहीं जाती फिर। मैं ठीक हूँ बेटा, नाश्ता तो तुमने करवा दिया, खाना तैयार रखा है, भूख लगी तो ले लूंगी। ठीक है, आप जूनिया को भी बुला लीजिएगा, बाकी काम वो कर देगी। कर ही ना दे वो काम। अच्छा छोड़ो जूनिया को, मासी को बुला लूंगी। अम्मी बहुत जरूरी मीटिंग है ऑफिस में, इसलिए जाना जरूरी है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको इस तरह छोड़कर जाना, लेकिन क्या करूं, लेकिन मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। किस्मत में यह अकेलापन लिख दिया गया है, किसी न किसी तरह गुजारना तो है। तुम जाओ बेटा। ये वक्त भी बहुत जल्द गुजर जाएगा हमें, अल्लाह करे कि बस भाई को अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो जाए। अल्लाह करे ऐसा ही। अम्मी देर हो रही है ऑफिस के लिए, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी वापस आ जाऊं। जाओ बेटा। इस चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। ईशा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और तुम जानती हो तुमसे क्या बात करनी है, सुन तो लो। मैं कुछ नहीं जानना चाहती हूँ, मेरे पीछे मत आना। ईशा प्लीज मेरी बात तो सुन लो। ईशा, ईशा आप, ईशा मेरी बात तो सुन लो। उतरो मेरी गाड़ी से। ईशा मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा उतरो। तुम क्या समझ रही हो, हमें एक ही ऑफिस जाना है, रास्ते में थोड़ी बात हो जाएगी, क्या बुरा है? तुम इंतहाई ढीठ आदमी हो, अगर तुम इसी वक्त मेरी गाड़ी से नहीं उतरे ना तो मैं अभी जूनिया को फोन करके बुलाती हूँ। समझती क्या हो तुम, बोलो क्या समझती हो, मैं तुम्हारे कोई पुराना इश्क लड़ाने के लिए बैठा हूँ गाड़ी में? शट अप अर्सल, इतना मत समझो प्लीज। इस तरह की बात कभी सोच भी नहीं सकती, सुनिया मत समझना मुझे। आउट अभी और इसी वक्त मेरी गाड़ी से उतरो, वरना वो हश्र करूंगी तुम्हारा तुम कभी सोच भी नहीं सकोगे। गुरूर किस बात का है तुम्हें? आई सेड आउट। क्या हुआ है फायजा, क्या हुआ है, व्हाट्स रॉन्ग? या अल्लाह, सोनिया से चली गई। नहीं है, कहाँ चली गई?
सोनिया बेटा, टीवी की आवाज कम कर दो। मैं उनकी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे ये सब नहीं बता सकते। या अल्लाह, सोनिया मेरी तबीयत खराब है, जल्दी आओ। मैं जानती हूँ सोनिया, सोनिया हाय या अल्लाह, हाय हाय या अल्लाह, तभी शोर कर ले कि हर चीज टाइम पर हो जाए। और एक्सक्यूज मी जी अम्मी, ईशा ईशा बेटा मेरी तबीयत, अम्मी क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अम्मी मैं एक इमाम बाजी को देखो जरा। जी जैद, अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, असद भाई सोनिया कोई फोन नहीं उठा रहा, मैं बस निकल रही हूँ ऑफिस से, मेरे ऑफिस से घर बहुत दूर है, मैं क्या करूँ? मैं डॉक्टर को लेके आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू जैद, मेरी आधी परेशानी तो आपने हल कर दी है। ईशा ईशा आप फिक्र मत करें, मैं दुकान से निकल आया हूँ, गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें यार। इंशाल्लाह, बस मैं निकल गई हूँ ऑफिस से, मैं पहुँचने की कोशिश करूंगी जल्दी। खुदा हाफिज़। लगता है आ गई है, अभी इसकी क्लास ली थी, लेकिन जो कैसे की इसने आज, क्या मुसीबत है, आ रही हूँ, मिल गई ना फुर्सत आने की। हो गया, डॉक्टर को क्यों ले आए हो? आंटी किस कमरे में? इस कमरे में हुआ क्या? यार टीवी की आवाज तो कम कर दो यार, घर से बाहर लोग। क्या हुआ है अम्मी को? देख रहा है डॉक्टर। डॉक्टर सब सब ठीक है ना? डॉक्टर उनका बीपी बहुत हाई है, जरा दिखाए कौन सी मेडिसिन लेते हैं। दवा तो उनकी दवा बता। मुझे क्या पता, ईशा आएगी उसी को पता है, माँ की दवाई का नहीं पता। जैद अम्मी की तबीयत कैसी है? अच्छा वो ईशा वो जो मेडिसिन ले रही थी कुछ दिनों से, वो डॉक्टर मांग रहे वो दिखा दूंगा। ये रखी तो है सारी, ये मेडिसिन लीजिए, इनकी जुबान के नीचे रख दें। मेरी अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? इन्हें आराम से होंगे, सख्त जरूरत है, मैं कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ, और नमक वाली चीजों से परहेज करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर, मैं आपको छोड़ देता हूँ। सर जो दवाइयाँ ये लिख कर दें वो लेकर आइएगा, आपकी परेशानी होना ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। सोनिया तुम्हें कितने फोन किए मैंने, तुमने मेरा एक फोन तक नहीं उठाया। कमरे में नाश्ता कर रही थी, फोन वहीं रह गया। अम्मी के पास होना चाहिए, तुम्हें पता है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं 24 घंटे तो इनके पास नहीं बैठ सकती ना, और वैसे भी तुम ही लोगों ने मना किया है। अब ऐसा भी नहीं बोला तुम्हें, मेरे जाने के बाद तो अम्मी के पास बैठ सकती हो ना, आ सकती हो, पूछ सकती हो उन्हें। हाँ तो ये कहो ना कि उसी वक्त आ सकती हूँ जब तुम ना हो। तुम हालत देख रही हो अम्मी की और बहस कर रही हो उनके सामने। यार तुम, ये मेरी भी माँ है, सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इनका ख्याल है मुझे नहीं है? Thank you.
तुम फिर आ गए? जैद को मैंने ही भेजा था दवाइयां लेने के लिए। देखिए दवाइयां प्लीज वक्त पे दे दीजिएगा, और डॉक्टर ने कहा कि परहेज सख्ती से करना है। और सुने, टीवी की आवाज जरा आहिस्ता रखते, बीमार है आपकी माँ। ओ हेलो, मुझे हुकुम देने वाले तुम कौन होते हो? हाँ ईशा, मैं जब घर आया था ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि टीवी की कितनी ऊंची आवाज थी। बीमार माँ है घर में, वो आवाज दे के बेटी को बुला रही होगी, पर यहाँ तो टीवी चल रहा था। मुझे क्या मालूम कि अम्मी की तबीयत खराब है? तुम्हें मेरे जाने के बाद अम्मी का ख्याल रखना चाहिए था। जरूरी नहीं है कि उनकी तबीयत खराब होगी तो ही तुम उनके पास जाओगी और बैठोगी, उनका ख्याल रखोगी। माँ है वो तुम्हारी, किस्मत ने तुम्हें एक बार फिर उनके करीब आने का मौका दिया है। मत गवाओ इस मौके को, ऐसा ना हो कि वक्त तुम्हारे हाथों से निकल जाए और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ ना हो। यार मुझे नसीहतें देना बंद कर दो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नसीहतें। किसी को उनके पास तक तो तुम जाने नहीं देती हो, वक्त कान भरती हो उनके। कुछ लोगों को समझाने की जरूरत नहीं होती, उन्हें ऐसे ही उनके इसी हाल पर छोड़ देना चाहिए। अपनी वजह से ही सब कुछ नहीं कर रही, अम्मी की वजह से ही कर रही। सोनिया और असद भाई की बातें अम्मी का दिल चीरती थी, कर मर रही है अम्मी अंदर उनकी बातें सुनकर। आप जैसी बेटी के होते हुए जो मोहब्बत, एहसास, प्यार इन सब से भरी हुई है, मैं चलता हूं, ये दवाई आंटी को खिला दीजिएगा वक्त पर, परहेज का ख्याल रखिए, और किसी भी चीज की कभी भी जरूरत हो फोन करना है बस, आपने मैं हाजिर हो जाऊंगा। सुने जाए, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ऐसा मौका हमारी जिंदगी में कभी ना ला। या भाई अल्लाह, ना आए ऐसा वक्त। चलता हूं मैं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, ऐसे कहिएगा टीवी की आवाज वैसा रखे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान अशरफ, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड जबरदस्त कंटेंट।